रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लतिका अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली गई होती है, लेकिन अब लतिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में वो वापस से अपने घर आने वाली थी। लतिका के वापस आने का इंतजार उसके घर वालों को बड़ी बेसब्री से था। लतिका की माँ शारदा लतिका की भाभी नीतू से कहती है, बहू अब तो कुछ दिनों में लतिका हमारे पास ही रहने वाली है। मुझे तो उसकी हर वक्त चिंता लगी ही रहती है। अब जब वो यहीं रहने आ जाएगी तब जाकर मेरी चिंता दूर रहेगी। माँ जी आप चिंता क्यों कर रही हो, ननद जी दिल्ली पढ़ाई के लिए गई हैं, साथ ही दुनियादारी की समझ भी आ गई होगी उनको। अब आप उनकी चिंता छोड़ दो, वो अब बड़ी हो गई हैं। वो बहुत ही भोली है बहू, तुझे तो पता ही है। वो तो पढ़ाई भी जरूरी थी इसलिए भेजना पड़ा, वरना मैं उसको अपनी आँखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दे सकती हूँ। तेरी भी तो ननद है, जान बसती है ना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली माँ जी, ननद जी में तो मेरी जान बसती है। पहले तो फिर भी रोज बात हो जाया करती थी, लेकिन कुछ समय से तो बात भी नहीं हुई। वही तो बहू, अब पढ़ाई में बिजी रहती होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो आने ही वाली है। माँ जी कुछ दिनों की ही खुशी होगी, क्योंकि ननद जी शादी लायक हो रही हैं। अब उनकी शादी भी तो करनी है ना, कोई लड़का नजर में है क्या आपके? अभी से देखोगी तभी तो कोई लड़का मिलेगा ना। अरे इतनी जल्दी कहाँ शादी? बहू तू अभी से अपनी ननद की शादी के पीछे मत पड़। एक तो तेरे कहने पर मैंने शहर से इतनी दूर दिल्ली जैसे बड़े शहर में उसे पढ़ाई के लिए भेजा है, वरना तो मैं भेजती भी नहीं। माँ जी पढ़ाई भी तो जरूरी है ना, अब ये सब उनके ही काम आएगा, तभी तो बोला था मैंने। हाँ बहू मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना बोल रही हूँ कि शादी अभी नहीं करूँगी, कुछ दिन आराम से रह ले यहाँ, फिर लड़का देखना शुरू करेंगे, और कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है माँ जी, जब आपका मन हो तभी शादी करवाना, अब तो खुश हो ना आप। दोनों सास बहू लतिका के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद लतिका अपने घर वापस आ जाती है। लतिका की फटी जीन्स और क्रॉप टॉप देखकर नीतू और शारदा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। तभी शारदा कहती है, बहू ये तेरी ही ननद है या कोई और ही है, क्योंकि ये फटी जीन्स तो हमारी लतिका कभी ना पहने, और हमारे पास पैसों की भी कमी नहीं है जो हम अपनी बेटी को ये फटे हुए कपड़े दे। माँ जी ये तो मेरी ही ननद, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सीता से गीता कैसे बन गई। ननद जी आप दिल्ली पढ़ाई के लिए ही गई थी ना, या फिर ये क्या है, आप तो पूरी ही बदल गई हो। भाभी पढ़ाई करने गई थी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं हर वक्त पढ़ाई ही करते रहूं। अरे दिल्ली राजधानी है तो राजधानी का फैशन तो अपनाना ही चाहिए ना। ननद जी दिल्ली राजधानी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो वहाँ के लोग करेंगे आप भी वही करने लग जाओगी। आपका ये नया अवतार बिल्कुल ही अजीब है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे अजीब नहीं बेकार है, एक काम कर लतिका, जा पहले जाकर कपड़े बदल, पता नहीं क्या बकवास से कपड़े पहनकर आ गई है, ऐसे कपड़े तो हम दान में भी नहीं देते हैं। माँ जी अभी तो आई है ननद जी, कम से कम थोड़ा आराम तो करने दो, अब तो इन्हें यहीं रहना है, आप ना आराम से इन्हें जितना मन हो उतना सुना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ननद जी आज आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। नीतू इतना बोलकर वहाँ से लतिका को उसके कमरे में लेकर चली जाती है। लतिका भी थोड़ा आराम करने लगती है। लतिका के दिल्ली आने के बाद से ही उसका पूरा रूप बदला हुआ था, रहन सहन कपड़े खान पान बोल चाल हर चीज में बदलाव आ गया था। धीरे धीरे कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब लतिका के दिल्ली वाले बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नीतू बाजार के लिए जा रही होती है, तभी वो लतिका से पूछती है, ननद जी मैं बाजार जा रही हूँ आप भी चलिए, इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा ना। नहीं भाभी ये सब घूमना घुमाना ना बच्चों की बातें हैं, मुझे ना ही कहीं बाहर जाने में इंटरेस्ट है और ना ही यहाँ के लोगों में, मैं तो दिल्ली में ही खुश हूँ, यहाँ पता नहीं क्यों आ गई मैं। अरे ननद जी ये आप क्या बोल रही हो, ये आपका ही घर है, आप तो यहीं रहोगी ना, यहाँ नहीं तो कहाँ जाओगी। तभी लतिका बात करते हुए अपने बैग से एक सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। अपनी ननद को सिगरेट पीता देखकर नीतू को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और वो कहती है, ननद जी ये क्या है, आप धूम्रपान कब से करने लग गई? आपको पता है ना ये सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है, ऊपर से आप लड़की भी हो, ये सब आपको शोभा नहीं देता।
भाभी आप भी क्या बकवास कर रही हो, अब क्या सिगरेट पीने के चक्कर में मैं अपना जेंडर बदलवा लूं क्या? लेकिन माँ जी को पता चल गया तो आप पर बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन माँ को कौन ही बताएगा, मैं तो बताने से रही और अब बची कौन, आप ना। और आपने बताया तो मैं साफ बोल रही हूँ कि आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर नीतू अपनी ननद की बातों और हरकतों से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो ये सब देखकर चुप्पी रह जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और लतिका का स्वभाव देखकर सभी लोग बहुत ही हैरानी में आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद नीतू अपनी सास के साथ घर की सफाई में लगी होती है, तभी बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर लतिका बाहर अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है। लतिका को इतने छोटे कपड़ों में बाहर जाता हुआ उसकी पड़ोसन मालिनी देख लेती है और वो उनके घर आकर शारदा और नीतू से बातें करने लगती है। और बातों ही बातों में मालिनी कहती है, अरे नीतू, तेरी ननद दिल्ली जाकर अलग ही रंगढंग सीख के आई है। क्या मतलब है तेरा, क्या रंगढंग सीख के आई है वो? उसने कुछ भी तो उल्टा सीधा नहीं किया है। मैंने उसे कुछ दोस्तों के साथ बाहर जाते देखा और कपड़े तो पूछो ही मत कितने छोटे पहने हुए थे। अब क्या ही बोलूं मैं। देख लिया बहू, तेरी वजह से हुआ है ये। मैं तभी अपनी शरीफ सी बेटी को दिल्ली नहीं भेज रही थी, तूने अपनी ननद को दिल्ली की बिगड़ी ननद बना दिया। चार लोग अब उसके बारे में बोल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है क्या? माँ जी, मैंने तो पढ़ाई के लिए बोला था कि ननद जी को दिल्ली भेजना चाहिए, लेकिन वो तो जैसे दिल्ली से बिगड़ कर ही आ गई। अब इसमें मेरी क्या गलती माँ जी? हमने तो सुना था दिल्ली दिल वालों की होती है, लेकिन नीतू की ननद दिल्ली जाकर अपने संस्कार, तमीज, लिहाज सब कहीं बेच आई है। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, थोड़ा काबू में रख उसे। अब तो मुझे भी यही लग रहा है, कुछ तो करना ही होगा वरना हमारी ही नाक कटवाएगी। माँ जी आप मत कुछ बोलिएगा, मैं एक बार पहले खुद ही बात करना चाहती हूँ ननद जी से। बहू, मैंने तो पहले भी तेरी बात मान ली थी और अब भी मान रही हूँ, कर ले बात और समझा उसे। नीतू उसी शाम को अपनी ननद का इंतजार करती है और जब उसकी ननद घर आती है तो वो उसके कमरे में जाती है और उससे कहती है, ननद जी आप ये तो मानती है ना कि मैंने माँ जी से बात की थी कि आपको दिल्ली भेजना चाहिए पढ़ाई के लिए? हाँ भाभी, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है, आप ना होती तो मैं कभी दिल्ली ही नहीं आ पाती। तो ननद जी आप मेरी एक और बात मान लो, आपको नहीं पता शायद, लेकिन आप जो दिल्ली से इतना बिगड़ कर आई हो ना, उसके लिए माँ जी और मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। लेकिन भाभी मैं ऐसी ही हूँ। नहीं ननद जी, हम अच्छे से जानते हैं आप ऐसी नहीं थी। देखिए हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सुधार तो ला ही सकती है ना, ताकि हमें कुछ सुनना ना पड़े। ठीक है भाभी, आप बोल रही हो तो मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। अगर आपके नसीब में दिल्ली ही लिखा होगा तो क्या पता आप शादी के बाद दिल्ली ही रहो। नीतू की बात लतिका मान लेती है और सुधरने की कोशिश करने लगती है और घर में भी अब बहुत शांत सी रहने लगती है। कुछ दिनों बाद शारदा लतिका के कमरे में जाती है और उससे कहती है, लगता है भगवान भी तेरे ही साथ है, जब से तेरी भाभी ने तुझे समझाया है बहुत शांत रहने लग गई है ना तू तो। तो माँ आपको तो खुश होना चाहिए। और अब तेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, तेरे लिए रिश्ता आया है और लड़का दिल्ली में ही रहता है, बहुत अमीर है, देखने में भी अच्छा है। तो माँ फिर तो हाँ ही कर दो, कम से कम दिल्ली की चैन की सांस तो ले सकती हूँ। लतिका की शादी तय हो जाती है और इस तरह कुछ दिनों बाद वो शादी करके वापस दिल्ली लौट जाती है। पूनम अपने भाई की शादी के बाद अपनी भाभी को अपने घर में प्रवेश करवाती है और उसकी भाभी गीता अपनी भारी सी पायल को छन छन बजाती हुई घर के अंदर आती है, जिसके बाद पूनम सर दर्द से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। पूनम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसे घर के कामों में महारत हासिल थी, वो सारे काम बखूबी करती, लेकिन उसके साथ एक मुद्दा था, वो ये कि उसे माइग्रेन था। वो थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन लेती तो उसके सर में दर्द होने लगता, इसलिए ही उसके घर वाले भी सारे काम धीरे धीरे किया करते ताकि उसे दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब पूनम की भाभी गीता शोर मचाते हुए घर में आती है तो पूनम को चक्कर आना तो बनता ही था, जिसके बाद सब उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और गीता अपनी ननद पूनम से पूछती है, क्या हुआ ननद जी, आपको चक्कर क्यों आ गए, आप ठीक है ना? बताइए, मैं डॉक्टर को बुलवा देती हूँ। भाभी अभी नई नई आई है,
अगर इनको बोलूंगी कि इनकी पायल मुझे दिक्कत दे रही है तो खामखा बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, बाद में ही बता दूंगी इनको। कुछ भी तो नहीं भाभी, वो शादी की थकान थी ना, तो शायद चक्कर आ गया होगा, आप परेशान मत। वहीं पर पूनम के पास खड़ा पूनम का भाई गौतम कहता है, अरे पूनम, तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा पता नहीं तुमको क्या हो गया। अच्छा अब तुम यहाँ आराम करो, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना, और तुम चलो गीता, हम भी बची हुई रस्में खत्म करते हैं और आराम करेंगे फिर। इतना कहकर गौतम और गीता पूनम के कमरे से जाने लगते हैं, और गीता के जाने पर उसके पायल की छन छन की आवाज से पूनम को फिर से सर दर्द होता है, लेकिन वो सहन कर लेती है। समय बीतता है, अब जहाँ भी गीता जाती पूनम उससे दूर दूर रहती। एक दिन गीता, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, तभी पूनम भी आकर नाश्ता करने लगती है, और गीता कहती है, पूनम मैंने देखा है कि तुम उससे दूर दूर रहती हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर बात क्या है, बताओ ना। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस आप ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो शायद ये सच है और मैं कहीं ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे तुमने चावल तो लिए ही नहीं, रुको मैं रसोई से लेकर आती हूँ, स्पेशल बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगे। अरे यार ये चलेगी तो मेरे फिर से सिर में दर्द हो जाएगा। अरे भाभी आप बैठ जाओ, मैं लेकर आती हूँ, आप तकलीफ मत लो। पूनम भाभी की बात मानो, मैंने बोला ना कि मैं लेकर आई, तुम रुको यहीं। इतना कहकर गीता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पूनम की भाभी की पायल फिर से पूनम के सर में दर्द करती है, और ये देखकर अनिरुद्ध कहता है, जब तुझे गीता की पायल से परेशानी है तो तू उसे बता क्यों नहीं देती, इतना क्यों सहन कर रही है, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ पूनम ये गलत है, अगर तुझसे नहीं बताया जा रहा तो तू रुक, मैं अभी उसको बता देता हूँ। नहीं आप दोनों को मेरी कसम है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, और भाभी नहीं है, उनका पायल पहनने का मन करता होगा, कुछ दिन की तो बात है। जिसके बाद पूनम की कसम के खातिर गौतम और अनिरुद्ध गीता को कुछ नहीं बताते, लेकिन पूनम का हाल अपनी भाभी के पायल की वजह से बेहाल था, जिसके बाद वो एक दिन अपने कमरे में रात के समय सोचती है, देख यार तेरी भाभी की पायल तो तेरी जान लेकर ही मानेगी, इससे अच्छा तो यही है कि तू अपनी भाभी की पायल चोरी कर ले, वैसे भी रात को वो पायल उतार कर ही सोती होगी, यही मस्त आइडिया है, ना रहेगी पायल ना बजेगी पायल, ओ वाओ। और इतना कहकर पूनम अपने भाई भाभी के कमरे में चुपके से जाती है, और भाभी के सरहाने रखी पायल को उठाकर अपने कमरे में ले आती है और अलमारी में छुपा देती है। अगली सुबह जब गीता अपनी पायल को गायब देखती है तो परेशान होकर पूनम से कहती है, मेरी पायल देखो पूनम, सुबह से मिल ही नहीं रही। ओह भाभी आप कहीं रख कर भूल गई होंगी, कोई बात नहीं मिल जाएगी। पर मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, मैं कैसे रहूंगी बिना पायल के। गीता उदास होकर किसी काम से मार्केट चली जाती है, और पूनम घर में नाचते हुए कहती है, जियो पूनम जियो, भाभी की पायल ले ली, जियो रे पूनम। लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशी बस थोड़ी ही देर की है, क्योंकि जब वो ड्राइंग रूम में बैठी होती है तभी गीता और भी भारी छन छन के साथ घर में आती है, और पूनम अपने कानों पर हाथ लगा कर कहती है, भाभी आप ये पायल कैसे, आपकी पायल तो खो गई थी ना। मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है, और उसके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, अब मेरी पायल तो घर में ही होगी, मिल जाएगी। इतने में मैं एक और भारी पायल ले आई, मस्त है ना, रुको बजा कर दिखाती हूँ। इतना कहकर गीता पायल बजाती है और पूनम भाग जाती है, तो गीता कहती है, अब इसको क्या हुआ। अब बेचारी पूनम के पास बस एक ही रास्ता था कि वो दूसरी पायल भी चुरा ले, और वो वही करती है। जिसके बाद अगले दिन जब गीता पूनम गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, तो गीता कहती है, मुझे लगता है जैसे सीरियल किलर होता है ना, वैसे ही कोई सीरियल चोर आसपास घूम रहा है। आपको पता है इस घर में मेरी दो जोड़ी पायल चोरी हो गई। जरूर पूनम का काम होगा, तो बेटी तो पायल पहने ही मत ना, चोरी नहीं होगी। छोड़ो गीता, अब जो हो गया उसे जाने दो, अब एक पायल की कंप्लेंट करवाना अजीब लगेगा, पुलिस भी हंसेगी, और पायल घर में ही मिल गई तो और अजीब लगेगा। हाँ आप दोनों सही कह रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं जो रोज नई पायल लाऊं, और कभी पायल के साथ मेरे पैर भी चोर काट ले गया तो। अरे नहीं नहीं, अच्छा ससुर जी
आप सब से मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ ना बहू। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, तो क्या मैं घर में रहकर बच्चों को क्लासेस दे सकती हूँ? अरे क्या ही जरूरत है गीता, तुमको घर का इतना ही काम रहता है, क्यों मेहनत करना चाहती हो? रहने दो, आराम करो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, भाभी कुछ करना चाहती है तो हमको उनका साथ देना चाहिए और आप उनको रोक रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। भाभी आज की नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आप घर में क्लासेस दे सकती हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ बहू ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम आराम से क्लास दो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है फिर मैं कुछ दिनों में सारी तैयारियां करके क्लासेस शुरू करती हूँ। कुछ दिन बाद जब पूनम अपने कमरे में पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आवाज आती है, ता थई तता थई ता थई तता थई। घुंघरू का शोर सुनकर जब पूनम कानों में रुई लगाए कर बाहर आती है तो देखती है कि गीता बच्चों को कथक सिखा रही है, वो भी मोटे घुंघरू पहनकर। उसे देखकर पूनम कहती है, भाभी प्लीज भगवान के लिए रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? अरे पूनम मैंने बात की थी ना कुछ दिनों पहले कि मैं बच्चों को क्लासेस देना चाहती हूँ, एक्चुअली मैंने कथक में डिप्लोमा किया है, मैं इन्हीं क्लासेस की बात कर रही थी। और ये सब सुनकर पूनम से सहा नहीं जाता और वो गीता को सब बता देती है कि उसे माइग्रेन है, भाभी की पायल उसी ने चुराई थी। ये सब सुनकर गीता कहती है, पागल अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं पायल नहीं पहनती और क्लासेस के लिए भी बाहर कोई घर किराए पर ले लेती। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, आप नई नई तो आई थी इस घर में। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोनों पायल वापस कर दो तो। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।